आज हम बनाएंगे ब्रोकली की सब्जी। नमस्कार, काना किशोरी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हमने लिया है टमाटर, प्याज, अदरक और कच्ची हल्दी। और सब्जियों में हमने लिया है गाजर, आलू, ब्रोकली और मटर। अब हम एक पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें घी या तेल, आप जो भी खाना चाहें उसको डालेंगे और गरम करेंगे। गरम तेल में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई, इसको हम डालेंगे और उनके तड़कने तक इसको गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने लंबा लंबा काटा है और इसको हमने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। प्याज को हम थोड़ा सा सॉटे टाइप करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अदरक और हल्दी। मेरे पास कच्ची हल्दी थी, मैंने इसको ग्रेट करके डाला है और इसको हम डाल के भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हमने नमक और मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से डाला है और एक चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। हल्दी हम कच्ची डाल चुके हैं तो अलग से हल्दी डालने की हमें इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि टमाटर गल जाता है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली सॉस, रेड चिली सॉस हमने एक चम्मच के करीब डाली है। और अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर, ताजे मटर। और अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर डालेंगे हम इसमें आलू, ब्रोकली और गाजर, जो सब्जियां हमने काटी हैं सबको इसमें मिलाएंगे। इनमें से जो सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती है इसके साथ ब्रोकली के, आप उसको स्किप कर सकते हो। आप खाली ब्रोकली भी डाल सकते हो, आलू के साथ ब्रोकली डाल सकते हो। और इसको हम मिक्स करेंगे और सभी सब्जियों के साथ अगर इसको मिलाते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने इसमें डाली है और ये थोड़ा सा हमने इसमें डाला है चना मसाला। चना मसाला, इसके अंदर सभी चीज़ें होती हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें डाल के इसको हम मिक्स करेंगे और इसको ढक करके 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्जी थोड़ी थोड़ी से पकनी शुरू हो गई है, पर अभी इतनी नहीं पकी है। तो बीच में इसको हिला करके हम इसको फिर से ढक्कन लगा के रख देंगे और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी सब्जी तरह से पक गई है। अभी इसको हाथ से दबा करके देख सकते हैं। अगर आलू हमारे पक जाते हैं तो इसका मतलब ये पक चुकी है, और अगर कच्ची रहती है तो हम इसको 1-2 मिनट के लिए और पका सकते हैं। अब हमने गैस को कर दिया है बंद। अब हम इसको निकालेंगे एक बाउल में, बॉल में डाल के इसको सर्व करेंगे। और सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया है और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे और ब्रोकली की सब्जी तैयार है। इसको आप किसी भी परांठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं और इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।